एमएसए ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में बदलाव आज से कुछ प्रभावी होने जा रहे हैं, किन शेयरों पर असर पड़ेगा? एक बार जरा अपने सहयोगी सौमित से समझ लेते हैं। सौमित, जरा बताएं एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में जो बदलाव हो रहे हैं और उसमें आज कैसे फर्क पड़ेगा? एमएससीआई ने ये चेंजेस कुछ दिन पहले ही अनाउंस कर दिए थे। तो जो चेंजेस अनाउंस किए थे उनको लेके इनफ्लो और आउटफ्लो जो है उसकी एक्टिविटी आज के लास्ट 30 मिनट्स में होने की एक्सपेक्टेशन है। तो कौन से स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा आप? सबसे पहले सुंदरम फाइनेंस, मैनकाइंड फार्मा, सोलार इंडस्ट्रीज और टॉरेंट पावर, इन सभी स्टॉक्स में करीब 140 to 198 मिलियन US के इन्फ्लोज एक्सपेक्टेड है, जो कि करीब 11 to 24 times है उनके 20-day एवरेज वॉल्यूम के सामने। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बॉश, थर्मैक्स, फिनिक्स मिल, जिंदल स्टेनलेस, बीबी फिनटेक, इन स्टॉक्स में करीब 120 to 230 मिलियन US के इन्फ्लो एक्सपेक्टेड है, जो कि करीब 10 to 11 times है इनके 20-day एवरेज के सामने। आउटफ्लो की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बर्जर पेंट्स, पेटीएम और IGL पे फोकस रखेगा। करीब 57 to 100 मिलियन US के आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड है, जो कि करीब 2 to 5 times है उनके 20-day एवरेज के सामने। अब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और मैक्रोटेक, ये दो स्टॉक्स के वेटेज बढ़ने वाले हैं एमएससीआई के इंडेक्स पे, तो उसके कारण करीब 36 to 77 मिलियन US के इन्फ्लो एक्सपेक्टेड है, जो कि करीब 2 to 3 times है उनके 20-day एवरेज के सामने। और जिन स्टॉक्स के वेटेज कम होने वाले हैं वो है PI इंडस्ट्रीज, डाबर, ICICI लॉम्बार्ड, बजाज होल्डिंग्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर आप देखेंगे तो करीब 168 मिलियन US के आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है। स्मॉल कैप स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग, ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज, RR केबल, आलोक इंडस्ट्रीज, डायनामेटिक टेक, ये स्टॉक्स में जो इन्फ्लो एक्सपेक्टेड है वो करीब 3 to 10 times है उनके 20-day एवरेज के सामने। और आउटफ्लोज की अगर हम बात करें स्मॉल कैप में तो तत्वा चिंतन, बोरोसिल, इंडिको रेमेडीज, राजरतन, ग्लोबल वायर्स, इन स्टॉक्स में करीब 1 to 3 million US के आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है आज के लास्ट 30 मिनट्स में। तो इन सारे स्टॉक्स पर नज़र रखिएगा। ठीक है, ये सारे के सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। ग्लोबल स्टैंडर्ड जो इंडेक्स है MSCI का, उसमें 13 के 13 स्टॉक्स आ रहे हैं, 3 बाहर जा रहे हैं, और सारे के सारे लिस्ट सुमित ने आपको बता दी। स्मॉल कैप वाली भी लिस्ट सुमित ने आपको बताई है, और इनफ्लो आने की उम्मीद होती है जब भी कोई स्टॉक इंडेक्स में जुड़ता है। तो चूंकि FIs जो होते हैं वो इंडेक्स को ट्राई करते हैं, इंडेक्स के जरिए ही पैसे डिप्लॉय करते हैं, तो उनका पैसा आता है, तो निश्चित तौर पर इन शेयरों के लिए भी वो फायदेमंद होता है। हालांकि जब ये लिस्ट आती है उसके बाद ही हम शेयरों में कुछ कुछ उथल पुथल देखने लगते हैं, तो हो सकता है कि एक्चुअल जब हो उतना मूव ना दिखे, लेकिन ज़रूर ये शेयर आपके फोकस में रहने चाहिए।